नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करते हैं, वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है कॉलेज जो है स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड के पदों को लेकर। तो बात करें उपेन यादव के इंस्टीट्यूट से, अगर देखें तो जितनी आस की जा रही वैकेंसी की उतनी नहीं है, ये उससे भी कहीं ज़्यादा कम है। ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात इसमें से होती लग रही है। तो देखें कि वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग की नई भर्तियों के लगभग 3,800 पदों पर वित्तीय स्वीकृति दी है। स्कूल व्याख्याता के 2,000 पद, मात्र 2,000 पदों की, सेकंड ग्रेड के 1,000 पद पर, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के 500 पदों पर, सेकंड ग्रेड के 300 पदों पर। ठीक है, माननीय निदेशक जी ने 31 अगस्त को शिक्षा संकुल में कहा था कि वर्ष 2022-23 के शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की सूचना वापस मांगी है। ठीक है, रिक्त पदों की सूचना वापस मांगी गई है, जिसमें कंप्यूटर निदेशक भर्ती सहित अन्य भर्तियों के विवरण होगा। राज्य सरकार से मांग है कि शिक्षा विभाग की भर्तियों की पदों की संख्या बढ़ाया जाए। ये बात कर रहे हैं उपेन यादव। और कंप्यूटर निदेशक फोर्थ कर्मचारी की भर्ती की वित्तीय स्वीकृति जल्द से जल्द लेकर शिक्षा विभाग की सभी भर्तियों की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए, ये बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो वित्त स्वीकृति मिल चुकी है, इन पदों में देखा जाए तो ये बहुत कम सी भर्तियाँ हैं। कहीं इससे जो बेरोजगार है वो हताशा में लग रहे हैं, निराश होंगे, क्योंकि भर्ती इतनी बड़ी, जैसा कि हम मान रहे थे कि स्कूल लेक्चरर की जो भर्ती 10,000 के करीबन मान रहे थे, और 9,000 तो कम से कम सेकंड ग्रेड की भी मान के चल रहे थे, इतनी भर्ती तो कम से कम आनी ही चाहिए। आप क्या कहते हैं इस पर ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।